अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से होंगे। ये देखें, आप बास्केट देख रहे होंगे, खाने पीने की चीज़ें भरी हुई हैं। तो आज ये देखें कितने टाइम के बाद मेरी सुस्ती ख़त्म हुई है। और मैंने अपने हस्बैंड, आज इनकी भी छुट्टी थी तो मैंने कहा चले बच्चों को लेकर कहीं घूमने चलते हैं। तो ये देखें, आज पिकनिक बनाने जा रहे थे तो बस क्या बनाए क्या नहीं बनाए वो मैं शेयर करना आपसे भूल गई। अब वहाँ पे जाऊँगी तो मैं निकालूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि क्या है। ये तो वैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये पापड़ हैं, ये गोल वाली डबल रोटियाँ ले ली हैं और बस थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का सामान है। चाय का थर्मोस भर लिया है मैंने, ठीक है। अब बस निकल, हम बच्चे भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ, बस निकलने की तैयारी है। तो बस निकलने की तैयारी है तो हम निकलती हूँ। फिर मैं वहाँ जा कहाँ रहे हैं ये मेरे हस्बैंड ही बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं जहाँ पहुँचूँगी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ठट्टा के रास्ते मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरा यहाँ निकलना बहुत कम होता है तो मुझे यहाँ के रास्ते कुछ भी नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। जी, ऑटो में हम बैठ चुके हैं, अब निकल रहे हैं। ये देखें, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ी बहुत आज मैं आपको ठट्टा की बाज़ार भी दिखाती हूँ। असल में ऑटो जिसमें बैठी हूँ उसमें दरवाजे लगे हुए हैं, वरना मैं आपको क्लियर दिखा पाती। चलिए, जिन जितना भी दिख रहा है उसी पे गुजारा कर लें। देखिए जी, अच्छा हम लोग जा रहे हैं यहाँ का शाहजहाँ पार्क। अच्छा, मैंने सुना है खुला है, देखा तो मैंने भी नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। तो देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ चल के मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ। हम यहाँ आए थे शाहजहाँ सिटी के पार्क में, लेकिन पता चला कि ये भी बंद पड़ा हुआ है। एक तो ठट्टा में कोई घूमने की जगह नहीं है, ये मुश्किल से एक जगह पता चली थी कि यहाँ पार्क अच्छा है, तो वो भी बंद पड़ा हुआ है। चले जी, अब हम जाते हैं, सामान तो लेके निकले हैं तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर चल के क्या होता है। जो होता है मैं आपको वहाँ जा के बताती हूँ। ठीक है जी, पहुँच चुके हैं हम यहाँ जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद आई बहुत है ना, अच्छी तो लग रही है। मैं आई थी यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले, शादी जब मेरी यहाँ मैं होकर आई थी तो शादी के शुरू में एक या दो दफ़ा आई थी, लेकिन मुझे इतना कुछ याद नहीं था। लेकिन है ना, अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ ठट्टा के अंदर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। अब देखें, एक जगह गए तो वहाँ पर पार्क बंद था, यहाँ आए। और ये जामा मस्जिद है ना, मशहूर है यहाँ पर ना, सौ गुंबद। ये मस्जिद है ना सौ गुंबद, इसके अंदर इस मस्जिद में जैसे सौ गुंबद हैं, तो इसलिए ये जामा मस्जिद यहाँ की मशहूर है। तो अच्छी लग रही है, चलें एंजॉय करते हैं, आए हैं तो थोड़ी आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। देखिए बच्चे यहाँ कितने मज़े से खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये कह रही हूँ ना, मुझे तो इसलिए हैरा तो रही है, अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ ठट्टा में कह रही ना, हम लोग तो बहुत ही कम निकलना होता है, क्योंकि शहर वाल जैसा माहौल यहाँ का नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग बहुत कम ही निकलते हैं वहाँ। फिर जैसे मेरी मम्मी का घर हैदराबाद में है, तो वहाँ पे जैसे मैं जाती करती हूँ तो वहाँ घूमना फिरना होता है तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम, क्योंकि एक तो घूमने की जगह भी बहुत कम है, एक या दो ही पार्क ऐसे हैं जहाँ जाया जा सकता है। तो आज यहाँ बच्चे भाई ज़िद कर रहे थे तो मैंने कहा चले बच्चों को लेके चले जाते हैं। आज बहुत काफ़ी टाइम के बाद मैंने हिम्मत करी है तो आज मैं निकली हूँ। देखे बहुत नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ के, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी अंदर मस्जिद के अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या है। देखे जी, बच्चे हैं, पापा सब मिलके यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, वीडियो बना रही हूँ। मैं इनको बोल रही हूँ मुझे इस जामा मस्जिद के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताएं, लेकिन लेकिन ये बताने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी आवाज़ आपकी मेरे व्यूवर्स तक पहुँचेगी तो ये मना करे। तो मैंने इनसे, मुझे कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ, आप बता देना इनको अपने व्यूवर्स को। तो ये कह रहे हैं कि ये है सौ गुंबद नहीं, ये 99 गुंबद वाली मस्जिद है और बहुत फेमस मस्जिद है। यहाँ पे से जैसे ये इनका कहना है कि यहाँ पे एक दफ़ा शाहजहाँ जो यहाँ के बादशाह थे, यहाँ से इनका गुज़र हुआ तो इनको ये जगह पसंद आई थी, तो इन्होंने इधर ये 99 गुंबद वाली मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया था। ये कौन से सन में बनना है तो ये वहाँ पे आगे चल के ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये कौन से सन में मस्जिद बनी थी। तो सॉरी जी, मैं यहाँ ठट्टा की रहने वाली नहीं थी, मैं शादी होके यहाँ पे आई थी, तो मुझे कह रही हूँ ना इधर की इतनी हिस्ट्री कुछ भी पता नहीं है। जो थोड़ी बहुत पता है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो सकता है,
बाकी आगे तो हाँ जामा मस्जिद की ना जैसे सबक वगैरह भी किताबों में पढ़ा गया है, क्योंकि ठट्टा जो है वो बहुत एक जैसे तारीखी शहर कहलाया जाता है। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है, मकली का जिस मकली का कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। तो अगर मेरा कभी वहाँ पे भी जाना हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ की भी वीडियो बना के दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन है ना, कह रही हूँ ना, यहाँ का माहौल इतना नहीं है खुला कि हम लोग आराम से घूमें फिरें या जाएं करें। और एक तो माहौल की वजह से जैसे यहाँ के जो हमारे हस्बैंड लोग हैं वो भी लेकर जाना इतना अलाउ नहीं करते हैं। तो आप इसीलिए मेरी जितनी भी वीडियो हैं ज़्यादातर वो घर की वीडियो होती हैं, तो मैं घर से बाहर तो बहुत कम ही निकलती हूँ। अब जब भी निकली और ये इनकी मुझे परमिशन हुई, इन्होंने मुझे अलाउ किया, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाने की कोशिश किया करूँगी। लेकिन जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है जी, पार्टी टाइम शुरू हो गया। ये देखें, ये मैंने आपको जैसे बोला था घर पे कि मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया। ये खट्टे आलू बना लिए हैं, आलू की चाट, ये पकौड़े बना लिए हैं, डबल रोटी है, पापड़ हैं और थोड़ी सी चाय बना ली है। लेकिन है ना, मैं घर से ले रही थी दस्ता, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं, असल में ना बच्चे अपनी दादी के साथ पहले शाहजहाँ सिटी होके आ चुके थे, तो बच्चों ने बोला नहीं मम्मी नहीं चादर नहीं लें हम, वहाँ पे ना टेबल कुर्सियाँ लगी तो वहाँ पे तो हम गए नहीं, टेबल कुर्सी पे तो बैठे नहीं, यहाँ आए तो अब यहाँ खाली खाली मट्टी वाली घास में बैठे हुए आराम से। तो चले जी, जो है अल्लाह का शुक्र, खाएँगे पियेंगे और बैठे रहेंगे। ठीक है जी, ये आपको दिखा दिए और बस अभी थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, बैठेंगे घूमेंगे फिरेंगे थोड़ी देर और फिर जाएंगे। चले देखिए जी, चाय पार्टी हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं वहाँ आगे आगे की साइड चलते हैं, फिर आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ के किस तरह की मस्जिद है, क्या है, सब आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए जी, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, ये देखें सब यहाँ पर घूम रहे हैं। बस हम आगे की साइड जा रहे हैं और ये हमारे मेन दरवाज़ा आने वाले हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे दरख्त हैं, खूबसूरत नज़ारे लग रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से शाम के 6 बजने और हल्की हल्की शाम हो चुकी है, और कोई यहाँ पे जॉगिंग के लिए आता है, कोई वॉक के लिए आता है, सब घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और आज वैसे भी छुट्टी का दिन है तो थोड़ा बहुत रश दिखाई दे रहा है, वरना तो सन्नाटे पड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये मेन दरवाज़ा आ गया, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये दरवाज़े को देख के मुझे मस्जिद नबवी की याद आ गई, कि वो ये देखें पीछे की साइड, ये देखें पीछे की साइड कितना खूबसूरत गुंबद लग रहा है। और इसी तरह मुझे आज मस्जिद नबवी की याद आ गई है और मेरी यादें पुरानी ताज़ा हो गई, सुभान अल्लाह ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये गुंबद खिजरा की याद आ रही है आज मुझे, इसको देख के मुझे इतनी कह रही हूँ ना, मैं इमोशनल होती जा रही हूँ। और ये बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे आज मैं मस्जिद नबवी में बैठी हुई हूँ, इसी तरह ये मस्जिद नबवी के दरवाज़े होते थे और इसी तरह ये गुंबद खिजरा यहाँ से नज़र आता था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, चलें मैं आगे चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बोल तो नहीं रखूँ ना, ये देखिए यहाँ पे जूते उतारने पड़ेंगे हमें, बोल तो नहीं, ये हमने यहाँ पे जूते उतार दिए, अब हम जा रहे हैं अंदर। ये चलें जी, हम चलते हैं अंदर की साइड पे। ये देखिए ये यहाँ का ये सहन है, अंदर एंटर होते ही ये गुंबद यहाँ से आना शुरू हो चुके हैं। ये देखें ये यहाँ पानी का होज़ बना हुआ है, ये यहाँ पे ये देखिए सारे वज़ू खाने दिए हुए हैं। बस थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मगरिब की अजान का टाइम होने वाला है तो नमाज़ शुरू हो जाएगी, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। ये देखें, मैं अंदर थोड़ा दाखिल होकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसके गुंबद सारे,
जैसे जैसे इंटर होते जाएंगे ये गुंबद आते जाएंगे। ये देखें, ये देखिए जी, आगे चलती हूँ मैं। ये देखिए, ये सारे ये गुंबद आते जा रहे हैं इन सब गुंबदों को मिला के। ये देखें, ये सारे, ये देखें, सुभान अल्लाह कह रही हूँ ना, इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। आज मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और मोहम्मद साहब जो हैं वो मुझे बोलेंगे मम्मी आपने इतनी लंबी लंबी वीडियो बना दी। ये देखें, यहाँ से ये एंटर होते हैं तो देखें दूर से कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें, यूँ टर्न होती हूँ तो ये देखें दूर से, ये देखें जी, ये क्या चीज़ है, ये देखें, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें बाहर की साइड से जैसे हवा का गुजर करने के लिए इन लोगों ने ये जालियाँ लगाई हुई हैं। ये देखें, ये ऊपर गुंबद, ये सारे, ये देखें एंटर होते हैं तो ये ऊपर इसी तरह दरवाजे आते जाएंगे और ऊपर ये गुंबद आते जाएंगे। ये देखें, ये आ गया गुंबद। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगी तो ये देखें, ये ऊपर आ गया गुंबद। इसी तरह ये गुंबद आते जाएंगे इन सबको। ये देखें, इसी तरह मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदर इसी तरह के से ये तो दीवारें खड़ी हुई हैं, इसी तरह उधर मिंबर आ जाते हैं। आज मुझे कह रही हूँ ना, वहाँ की बहुत याद आने लग गई है। इस मस्जिद को देख रही हूँ तो मुझे इतनी याद आ रही है शिद्दत से। ये देखिए, ये दरवाज़ा किस चीज़ का है। ये दरवाज़ा देखिए बाहर की साइड एंटर होता है। ये देखें, ये बाहर की साइड एंटर होता है। ये देखें, ये बाहर की साइड का नज़ारा आता है, यहाँ से दरवाज़ा खुलता है। तो ये वही जगह है जहाँ हम पार्क में बाहर बैठे हुए थे, ये बाहर की साइड का ही नज़ारा है। मैं पानी है बंद करो, पानी है ये बाहर की साइड ही है ना, जहाँ से हम आए थे अभी। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलती हूँ। ये देखें, ये एक और वेंटिलेशन आ गया है यहाँ पे। ये देखें, ये थोड़ी इस साइड पे थोड़ा दी आए, इधर आ जाएं। ये देखें, ये गुंबद हैं, ये उस साइड पे भी इसी तरह ये मस्जिद शुरू होती है। और ये देखें, ये बाहर सहन का पूरा, ये सहन का नज़ारा है, ये बाहर सहन है। अपन जा रहे हैं, फोटो खिंचवाए, ये पूरा सहन आता है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, ये देखें, ये एक और दरवाज़ा आता है। कुरान पाक की आयत, अच्छा। पूरी आयत लिखी हुई है, आयत कौन सी रेंज में नहीं आ रही लेकिन ये पूरी आयत लिखी हुई है ये दीवार पे। ये पूरा है ना गोल्डन कलर का। तो पूरी बारीक मिनट कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। अच्छा, थोड़ा आगे चलें, थोड़ा आगे चल के बताएं। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि ये जो गोल्डन अल्फाजों से, ये गोल्डन कलर से जो लिखा हुआ है ना, ये कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कुरान पाक की पूरी आयत लिखी हुई है। आयत कौन सी है ये इन्हें भी समझ में नहीं आया कि ये आयत कौन सी लिखी हुई है, लेकिन ये कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। ये जो ये वाली ना, ये जो गोल्डन येलो वाली है, ये देखिए, ये जो येलो कलर से है, मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाली, ये जो येलो लिखी हुई है ना, ये पूरी ये कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। ये यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक आती है। ये देखें, ये इस दरवाजे से, ये देखें यहाँ से, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। ये बता रहे हैं कि ये पूरी कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। ये देखिए जी, और ये क्या चीज़ है, इधर भी मस्जिद में एंटर होते हैं। ये क्या चीज़ है इधर अंदर, ये भी मस्जिद ही का हिस्सा है, मस्जिद का मेन मेहराब यही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड बता रहे हैं मस्जिद का जो मेन मेहराब है ना वो यही है, इमाम का फिर जो जगह है वो ये। अच्छा, इमाम साहब जो इमामत करते हैं वो इधर से ही करते हैं।
ये देखिए जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, ये मेन जो इसका गुंबद है वो सबसे मेन गुंबद ये है। ले लिए बेटा, ये देखिए देखिए, ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए सेन का नज़ारा करते तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से भी ये देखिए, इस पूरी मस्जिद है, ये पूरा मतलब आपको ये बताते हैं, आप बोले शाही बादशाह से जो इनका सिलसिला चले आए ना, वो ये लिखा हुआ है। ये देखें जी, ये जामा मस्जिद, ये देखें आप अगर पढ़ पाए तो मैं आपको क्लियर से ये दिखाती हूँ। अच्छा, नीचे से स्टार्ट हो रहे, पहले शाही बागारा खतीब इमाम नाम था इनका, ये सबसे पहले एजाजी, उसके बाद फिर आए हाफिज मोहम्मद अलीम सिद्दीकी साहब, फिर हाफिज मोहम्मद शाकिर सिद्दीकी, ये देखिए सही है जी, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तामिर करदा मुग़ल शहनशाह शाहजहां, सन तामिर सन 1054 हिजरी, ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए। मैंने आपको 1054 के अंदर और 1057 ब मुताबिक 1644 था, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ जानी चाहिए। काम आ जाए, और इमाम साहब इमामत यहाँ से करते हैं? नहीं, 1247 हिजरी, ठीक है जी। आज मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। ये देखिए जी, ये इमामत यहाँ से, कारी साहब जो हैं यहाँ से इमामत करते हैं। ये मिंबर है, शाहजहां के हाथ का बना हुआ मिंबर, ये भी देखा, ये शाहजहां के हाथ का बना हुआ मिंबर है। ये देखें कितना तारीखी और कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। क्या ये मिंबर है? अच्छा अच्छा, ये देखें जी, चले ये मम्मा, मैं थोड़ी फोटोग्राफी तो करने दो मुझे, दो मुझे ऊपर गुंबद पे जाने का यहाँ से रास्ता है। हम अगर गुंबद देखना चाहें तो यहाँ से देखने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है कि ऊपर जाने का, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन अगर जाना चाहें तो ये रास्ता है गुंबद की साइड पे जाने का, ठीक है, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। चलें, यहाँ से मगरिब की अज़ान का टाइम होने वाला है तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि चलें अब बाहर जाएँ, तो चलें। मेरा ख्याल है मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पे कर लूं, या चले बाहर निकलते हैं, फिर मैं आपकी वहाँ से वीडियो का एंड करती हूं और अल्लाह हाफिज़ करती हूं। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी निकलने की करते हैं, क्योंकि यहां पे नमाज का टाइम हो चुका है मगरिब की, और यहां पे सब नमाज पढ़ने बैठेंगे, तो हम अब चलते हैं थोड़ा बाहर की साइड पर। यहाँ पर भी देखें, ये थोड़ा वेंटिलेशन सब जगह यहाँ पर दिए हुए, ये देखें ये सारे गुंबद हैं, रात देरी जहाँ पे गुंबदों का सिलसिला चालू हो रहा है। अच्छा, आप इनसे सुने ये क्या कह रहे हैं? हाँ, बोले नहीं का। बोले तो सही, मैंने कहीं दूसरा सेक्शन है जहाँ से गुंबदों का गुंबद का सिलसिला चल रहा है, एक सिलसिला वो था, एक सिलसिला ये। अच्छा, उम्मीद है आपको भी अच्छी लग रही होगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर मेरे से हो सका तो मैं आपको इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियो देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ हैं। अंदर से एंटर का दरवाज़ा है,
और ये देखिए कितना हसीन लग रहा है। बस अब सब जाने की तैयारी में, हम भी निकल रहे हैं और बहुत मज़ा आया, इंजॉय भी खूब किया, बच्चों ने भी किया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। अब चले जी, अब हम चलते हैं, हमारी रवानगी का टाइम आ गए, मैं चलती हूँ अपने घर। और आप मेरे लिए काम कर दें, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।